स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कोनिचुआ इंडिया में। दोस्तों लास्ट वीडियो को प्यार देने के लिए भाई बहुत 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 ज़्यादा आप सभी लोगों का धन्यवाद। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिना किसी बकचोदी के सीधा फुलेरा गांव के बारे में। फुलेरा गांव के बारे में किस किस को नहीं पता सबसे पहले कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना। आजकल भाई इंटरनेट पे ये इतना ट्रेंडिंग टॉपिक पे है। चलो मैं आपको थोड़े हिंट्स देता हूँ, उस मूवी के कुछ फेमस डायलॉग्स के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल विनोद जो नाम था वो कहाँ से फेमस हुआ। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पंचायत 3 मूवी के बारे में। भाई मैंने ना सच बताऊं मैंने एक ही बारी में सारे के सारे एपिसोड देख डाले और इस मूवी का टोटल जो रन टाइम है वो है 6 आवर्स का। वैसे हम लोग क्या करते हैं यार, एक एपिसोड आज देख लिए एक एपिसोड कल देख लिए, बट भाई नो डाउट मैं इस तरीके से इस मूवी का इतना गंदे वाला फैन हूँ कि भाई मैंने एक बारी में सारे एपिसोड देख मारे। और इस मूवी का भाई जो ट्रेलर था उसको देखते सार ही मतलब मैं समझ गया था कि इस मूवी में आपका रोमांस कॉमेडी पॉलिटिक्स हर चीज़ इंक्लूडेड है। बात करें अगर सबसे पहले जो इस मूवी का जो मैं अगर मैं की रोल के बारे में बात करूं वो इस मूवी को उठाया भाई प्रहलाद ने। प्रहलाद अगर जिसको आप जानते हो जो कि प्रधान जी का बहुत अच्छा वाला खास वाला राइट हैंड कह लो लेफ्ट हैंड कह लो जो कि विकास जो कि प्रधान जी के बहुत ज़्यादा खास है। तो इस मूवी में जैसा कि आपने पार्ट 2 में देखा था कि प्रहलाद का जो बेटा था वो लाइक वो एक्सपायर हो गया था, तो उसी चीज़ को लेके इस बार जो मेन फोकस जो है वो है सारा प्रहलाद जी पे। कि भाई मेन मैसेज आपको ये दिया है कि कितने भी लोग हैं जो बहुत सी ऐसी सैडनेस को या बहुत से ऐसे नेगेटिव पार्ट्स को मतलब अपने माइंड में लेके चलते हैं लाइफ में, तो इस चीज़ों को दिखाया कि लाइफ में किस तरीके से आप इन सब चीज़ों को भी हैंडल आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो फन कॉमेडी जो इस चीज़ में दिखाई है जो इस मूवी में दिखाई है वो तो भाई अमेजिंग है अमेजिंग। तो इस मूवी में मेन जो मैसेज यहाँ पर बताया गया है वो यही बताया गया सबसे पहले जो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो फ्लैट्स हैं वो किस किस के नाम आएंगे। आइडियली जो पूरी कहानी चली है जस्ट उन 12 फ्लैटों के ऊपर चली है कि उस 12 फ्लैटों में से और वो फुलेरा गांव के पूर्वी इलाके में ज़्यादा मिलेंगे या पश्चिमी इलाके में ज़्यादा मिलेंगे। तो मेन जो डिस्कशन है वो सारी इसी टॉपिक पे है। एक तो और यहाँ का सबसे बड़ा भाई न्यूज़ तो यहाँ पे है कि यहाँ पे इन्होंने शुरुआत में कोशिश ज़रूर करी थी कि सचिव जी को रिप्लेस करें, बट एट द एंड सचिव जी को भाई कौन रिप्लेस कर सकता है, हमारे जितेंद्र जी को भाई कौन रिप्लेस कर सकता है। आइडियली जैसे यहाँ पे जब शुरुआत में मूवी के यहाँ पे नया सचिव आने की कोशिश करी और इन्होंने उसकी ज्वाइनिंग कराई नहीं। उन्होंने बोला तो बहुत था कि हम भाई CM की अप्रोच से हैं, CM जी का हमारे सर पर हाथ है, बट एट द एंड CM को ही जेल करा दी भाई 2 साल के लिए, वो ही चले गए जेल में। बट भाई नो डाउट मैंने जो मूवी देखी ना यार मेरा तो दिल खुश हो गया। आई वुड रिकमेंड यार आप गो फॉर दिस मूवी। अगर आप बैठ रहे हो ना देखने के लिए तो एक ही बारी में भाई सारे एपिसोड देख डालो, दिल खुश हो जाएगा भाई, दिल खुश हो जाएगा लिटरली। मतलब ये ही कुछ मूवीज ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल एक पंचायत 3 हो गई, मिर्ज़ापुर हो गई, फैमिली मैन हो गई और पताल लोक हो गई। मतलब ये ही कुछ मूवीज ऐसे हैं जिनको भाई देखते जाओ ना बस मतलब मन करता रहे देखते रहें। और ये ही मूवीज है जिन्होंने भाई बीट कर रखा है भाई बॉलीवुड की मूवीज को, मैं लिटरली बता रहा हूँ मैं। क्योंकि इन मूवीज़ में अगर आप देखोगे ना इनमें मतलब एक देसीपन है, एक देसी वाइब्स है जिसमें हर कोई बंदा ना उस चीज़ को अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर सकता है। चालू करते हैं इसके ट्रेलर को। पंचायत सीजन 3 का ट्रेलर। सचिव जी जरा बात सुनिए। अरे कितने लोगों ने रिव्यू वीडियो बना रखी है। हाँ ये रहा, तो भाई 2 मिनट 35 सेकंड का इसका ट्रेलर और जो कि भाई जबरदस्त ट्रेलर है इसका। हेलो हेलो हाँ प्रधान जी, हम नया सचिव। सचिव जी ट्रांसफर कैंसिल हो गया आपका। एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? हम आगे फोकस करना है, ऑलरेडी एडजस्ट हो ही रखा हूँ, वैसे फालतू का लोकल पॉलिटिक्स होता है उससे दूर रहना है बस। टंकी पे चाय पीने जा रहे थे सोचा, वैसे भी अभी दिन हो रहा है कोई देख लेगा तो बातें बनाने लग जाएंगे। शाम को 7 बजे चल सकते हैं, मैं फ्री भी हो जाता हूँ और थोड़ा अंधेरे भी हो जाएगा। अंधेरे में जाके क्या करेंगे? प्रधानमंत्री गरीब आवास वाला लिस्ट आ गया, वो चिपका दे। फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड 12 घर में से 7 फुलेरा पश्चिम को मिला है जिधर प्रधान रहता है, और फुलेरा पूरब को मिले केवल 4 घर। गांव को आपके जैसा मतलबी नेता नहीं, एक दूरदर्शी नेता चाहिए। सचिव जी पंचायत का इलेक्शन माथा पर है। तो मैं क्या करूं प्रधान जी, अच्छा भला रिजाइन कर रहा था, हाल तो मैं वापस आ गया इस गाँव। राजा जी सबको नेता बनना है ना। हाँ। तो चलो फिर नेता वाला काम करते हैं। रोड बनेगा कैसे? हमारे पास एक तरकीब है,
क्या? विधायक जी के साथ शांति समझौता किया जाए। आप लोग तख्ता पलट कीजिए, सपोर्ट रहेगा। मान लीजिए आप ये पंचायत चुनाव हार गई तो? जब आदमी सामने से कह रहा है रोड बनवाने का इंतजाम हो सकता है तो क्या बोलूं उसको? नहीं चाहिए रोड। बोलो नहीं चाहिए। देख रहा है बिनो, प्रधान जी गुस्सा दिखा रहे हैं। प्रधान बनने के बाद सबसे पहले यहाँ का बैठकी बंद करवाई। वो एमएलए करना चाह रहा है शांति समझौता, तो करने देते हैं उसको शांति समझौता। कबूतर भी तोड़ाना है। कबूतर तो उड़ाना है। क्या गजब ट्रेलर है यार, देख रहा है विनोद? तो भाई विनोद नाम वाले लड़के, सबसे पहले तो भाई कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करके जाना अगर भाई आप इस मूवी के फैन हो तो। भाई मतलब भाई नेक्स्ट लेवल यार, नेक्स्ट लेवल फन आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। भाई सबसे पहले जो एमएलए है उसको जेल करा देते हैं, 2 साल के लिए वो जेल जाता है, देन अगेन वो